दोस्तों आज इतने बजे शुरू होगा भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला, वो भी धर्मशाला से आप लाइव कब देख सकते हैं ये भी बताने वाले हैं, क्योंकि टाइमिंग में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो क्या खबर है पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बुरी खबर आ चुकी है, बारिश होने की वजह से भारतीय टाइमिंग में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला दूसरे T20 मुकाबले में, सब कुछ आपको समझाते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मुकाबले खेल रही है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिली थी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 62 रनों से हरा दिया था, लेकिन अब भारतीय टीम को अगला मुकाबला 26 फरवरी को खेलना है भारतीय समय अनुसार 7 बजे से धर्मशाला में। उसका अगला मुकाबला 27 फरवरी से होने वाला है धर्मशाला में भारतीय समय अनुसार 7 बजे से। लेकिन दोस्तों दूसरे मैच में संकट के बादल मंडरा रहे हैं जो भारतीय टीम के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। तो क्या हुआ है वो आपको समझा देते हैं। दोस्तों कितने बजे से मुकाबला शुरू होगा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अगर वेदर फोरकास्ट को देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल कल 90% बारिश होने की बात कही गई है वेदर फोरकास्ट से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ह्यूमिडिटी 86% है और चांस ऑफ रेन जो बताया जा रहा है वो 90% है। ऐसे में दोस्तों धर्मशाला की ये जो रेन वाली प्रॉब्लम है वो एक बार फिर से आ सकती है, जो भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। और भारतीय टीम के लिए यह बुरी खबर होगी अगर बारिश हो जाएगी, क्योंकि यह मुकाबला भारतीय टीम जीत सकती थी और इस सीरीज को भी जीत सकती थी, पर अगर बारिश हुई तो दिक्कतें भारतीय टीम के लिए और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपके हिसाब से क्या बारिश होना भारतीय टीम के लिए सही रहेगा, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।